दोस्तों, जब भी हम कोई न्यू एंड्रॉयड मोबाइल को परचेज़ करने की सोचते हैं, सबसे पहले जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो है उस मोबाइल फ़ोन की बैटरी कैसी होगी, कौन सी होगी, बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी होगी। वो लिथियम पॉलीमर बैटरी हो या फिर लिथियम आयन बैटरी बेस्ट होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिथियम आयन एंड लिथियम पॉलीमर बैटरी की और आपको बताएंगे कि इन दोनों टाइप की बैटरी में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग इन दोनों टाइप्स की बैटरी से कंफ्यूज हैं और सोचते हैं कि वो लिथियम आयन बैटरी वाला मोबाइल ले या कि लिथियम पॉलीमर बैटरी वाला। तो आज हम आपकी ये सब दुविधा को दूर कर देंगे दोस्तों इस वीडियो से। मैं दोनों बैटरियों को भी आपके सामने पेश करूंगा और दिखाऊंगा आपको, ताकि आप फाइनली चूज कर सकें कि कौन सी बैटरी आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, लिथियम आयन एंड लिथियम पॉलीमर दोनों ही टाइप की बैटरी आजकल मोबाइल के अंदर इस्तेमाल की जा रही है पावर देने के लिए। सबसे पहले मैं दोनों बैटरी के ओवरव्यू की बात कर लेता हूं दोस्तों। तो पहले हम लिथियम आयन बैटरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। लिथियम आयन बैटरी सॉलिड फिक्स साइज की होती है, यानी कि नॉन चेंजेबल शेप की होती है। अगर उस पर प्रेशर भी अप्लाई किया जाए तो भी उसके ऊपर पावर इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए एक टर्मिनल्स होते हैं। ये लिथियम की बनी होती है, सबसे हल्का मेटल है लिथियम। इसकी शेप फिक्स होती है और कुछ इसमें वेट भी ज़्यादा होता है, यानी कि ये लिथियम पॉलीमर बैटरी से वेट में हैवी होती है सेम कैपेसिटी में। लिथियम पॉलीमर बैटरी लिथियम आयन से अपोजिट होती है, ये सॉफ्ट होती है। इसकी आउटसाइड फॉइल पेपर जैसे कवरिंग के साथ बनी होती है। इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का सर्किट होता है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे। इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का सर्किट होता है दोस्तों, जो ओवर चार्ज से प्रोटेक्शन के लिए लगाया होता है। उस सर्किट से कनेक्शन केबल होती है, जो कि लिड होती है, एक निकली हुई होती है। ये मदरबोर्ड से कनेक्शन के लिए होती है। ये सॉफ्ट होती है, लाइट वेट होती है और ये रीशेप हो सकती है। अगर हम चाहें तो इसे थोड़ा सा बेंड वेंड करके, मतलब फ्लेक्सिबल, जैसे हमें चाहिए कर्व मोबाइल में इसको सेट करना है, तो इसी बैटरी को थोड़ा सा कर्व करेंगे तो कर्व हो जाएगी। ये काफ़ी स्लिम साइज़ में होती है, इसलिए जनरली ये जो नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरी वाले मोबाइल्स होते हैं, जैसे कि मेटल बॉडी के मोबाइल्स होते हैं या एक्सपेंसिव मोबाइल होते हैं, उसके अंदर यूज़ की जाती है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ मैं ये बता दूँ कि दोनों टाइप की सेम कैपेसिटी की बैटरी सेम करंट, लगभग सेम टाइम का बैटरी बैकअप देती है। सिर्फ इनके शेप, साइज एंड वेट में ही फ़र्क है दोस्तों, कॉस्ट में फ़र्क है दोस्तों। लिथियम पॉलीमर बैटरी, जैसे कि मैंने बताया था कि ये कुछ एक्सपेंसिव होती है लिथियम आयन के मुकाबले में, यानी कि इसको अगर हम लगाते हैं तो थोड़ा सा मोबाइल का बजट थोड़ा बढ़ जाता है। यानी लिथियम पॉलीमर बैटरी एक्सपेंसिव मोबाइल के अंदर ही यूज़ होती है दोस्तों, या यूँ कह लें कि ये नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरीज फ़ोन में आती है, क्योंकि ऐसे मोबाइल फ़ोन शेप में स्लिम ट्रिम होते हैं और इसको बनाना कंपनी की मजबूरी हो गई है आजकल। सो ये इजीली लेस स्पेस में कंफर्टेबल शेप में सूट कर जाती है आजकल के ट्रेंडी डिज़ाइन मोबाइल में। जबकि लिथियम आयन बैटरी रिजिड शेप की वजह से मोबाइल के साइज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कराती है कंपनी को, और मोबाइल बल्की भी हो जाता है लिथियम आयन की भारीपन की वजह से दोस्तों। बैटरी के ऊपर एक इंटेलिजेंस सर्किट होता है दोस्तों, जो इसको ओवर करंट, ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन देता है, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन देता है। जबकि लिथियम आयन बैटरी के अंदर ऐसा कोई भी सर्किट नहीं होता है दोस्तों, सिंपली टर्मिनल होता है। और इसका ये जो प्रोसेस है, जो इसको ओवर करंट या ओवर चार्ज होने से बचाता है, ये मोबाइल के अंदर ही होता है। उस लिथियम आयन बैटरी जनरली यूज़र रिमूवेबल बैटरीज़ के फ़ोन के अंदर इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इसका बैक कवर खुलने के बाद इस बैटरी को निकाल करके यूज़र अगर ख़राब हो जाती है ये बैटरी, तो नॉर्मली बाज़ार से बाय करके खुद भी डाल सकता है। जबकि लिथियम पॉलीमर बैटरी जो होती है वो नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरी होती है, यानी कि ये फिक्स बैक मोबाइल्स में होती है, जैसे कि जो मोबाइल खुल नहीं सकते हैं,
जिनकी बैटरी को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, उन मोबाइल्स के अंदर इसको फिक्स्ड कर दिया जाता है। फिक्स का मतलब ये नहीं कि ये चेंज नहीं हो सकती, ये चेंज हो सकती है, लेकिन नॉर्मल हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्सपीरियंस स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो उस एक्सपीरियंस स्टाफ के पास अब अगर हम जाते हैं और वहाँ पे जा कर के इसको रिमूव करा करके इसकी जगह पे नई बैटरी भी डाल सकते हैं हम, तो ये एक सर्विस सेंटर में जा कर के ही इसकी रिप्लेसमेंट पॉसिबल हो पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप एक गुड लुकिंग प्रीमियम बजट नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरी फ़ोन लेना चाहते हो तो लिथियम पॉलीमर बैटरी को बिना कोई शक के आप एक्सेप्ट कर सकते हो दोस्तों। और अगर आप यूज़र रिमूवेबल थोड़ा बल्की बट लेस लेस एट कॉस्ट यानी कि थोड़ा सस्ता प्रीफर करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी भी ठीक ठाक ही वर्क करती है दोस्तों। बाकी आपकी चॉइस है दोस्तों, आखिर फ़ोन आपने लेना है। मैं जल्दी ही एक और वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, जिसमें मैं आपको यूज़र रिमूवेबल बैटरी मोबाइल और नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरी के मोबाइल के डिफरेंस के बारे में बताऊँगा दोस्तों। सो स्टे ट्यून। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। आपका कोई सवाल या सुझाव इस वीडियो को या हमारे चैनल को लेकर के हो तो इसे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें दोस्तों, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ब्लॉक संजीव टेक्निकल देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।